श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य सुमंतभद्र महाराज विरचित यह रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ, जिसमें प्रथम अध्याय धर्म की जानकारी के लिए है। सम्यक दर्शन को धर्म का सबसे पहला सोपान कहा जाता है, सीढ़ी कही जाती है, और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु जो देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना नियामक होता है, उन तीनों का स्वरूप आपके लिए बताया जा चुका है। जब सम्यक दर्शन की परिभाषा की थी, श्रद्धानं परमार्थानं आप्तागं तपोव्रतं त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शन मस्मयम्, यह श्लोक पहले बताया था। उसमें सम्यक दर्शन के विषय में जो परमार्थभूत आप्त आगम और गुरु हैं, उनका स्वरूप भी एक एक करके समझाया जा चुका है। उसी परिभाषा में जो तीन मूर्ताओं से रहित, आठ अंगों से सहित और आठ मदों से रहित सम्यक दर्शन परिपूर्ण होता है, यह कहा गया है। अब इसी का क्रम से विवरण होगा। सबसे पहले यहाँ पर आठ अंगों का कथन आ रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव के लिए आठ प्रकार के जो अंग हैं, आठ प्रकार के उसके जो अवयव हैं, उन आठ अंगों का पालन करना और उन आठ अंगों की निरंतर विचारधारा उसके अंदर बनी रहना जरूरी है। यूं कहें कि आठ अंगों का यदि आपने पालन कर लिया तो अपने आप अंगी यानी आठ अंगों से मिलकर के जो चीज़ बनती है वो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपका शरीर है और उस शरीर में आठ अंग हैं, तो इसमें अंतर क्या हो गया? अगर शरीर है तो शरीर आठ अंगों से ही मिलकर बना है। आठ अंगों में यदि किसी अंग की कमी हो गई तो आपका शरीर पूरा नहीं होगा। और यदि हम कहें कि आठ अंग हैं और आठ अंग रूप आपका शरीर है, तो इसका मतलब है कि हम आठ अंगों के माध्यम से आपके शरीर की रचना को बता रहे हैं। तो बात एक ही है अगर देखा जाए तो। एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य जब कोई बात समझ में नहीं आती तो उसे विशेष रूप से समझाया जाता है। सामान्य कथन ये हो गया कि हमारा शरीर है, अब शरीर में आठ अंग शामिल हैं, लेकिन हम आठ अंगों पर गौर करें या ना करें, अगर हम शरीर कह रहे हैं तो आठ अंगों पर भी गौर हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से गौर जो फरमाया जाता है वो शरीर पर हो रहा है। मुख्य क्या हो रहा है उसमें? शरीर आ रहा है। आठ अंग भी मुख्यता से देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आठ अंग के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है और आठ अंग के बिना शरीर का कोई निर्माण नहीं है। आठ अंग जानते हैं ना, दो हाथ, दो पैर, पीछे नितंब, पीठ, हृदय, मस्तक, मुख, समझ आ रहा है? ये सभी जो है आठ अंग कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो उसका शरीर का कोई भी प्रयोजन नहीं है, या यूं कहें उसका शरीर जो है पूर्ण नहीं है। तो ये हुआ एक सामान्य कथन, शरीर को कहना आपका शरीर होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कहा शरीर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कि वो आठ अंग से परिपूर्ण होना चाहिए। तो उसमें आठ अंग गर्भित हैं जब हम कहते हैं कि शरीर होना चाहिए, समझ आ रहा? शरीरधारी उसी को कहते हैं जिसमें आठ अंग होते ही हैं। अब अगर हमने केवल इतना कहा कि हमने ये शरीर बना दिया, तो आपने उस पर गौर नहीं किया कि हमने आठ अंग बना दिए,
ये गौर तो वह करेगा जिसे अंगों की भी जानकारी होगी, वह देखेगा कि ये आठ अंग परिपूर्ण है कि नहीं है। तो सामान्य का ज्ञान हो गया जब हमने शरीर की बात कही, लेकिन विशेष का ज्ञान कब होगा? जब हम आठ अंगों का अलग अलग विवरण करके बताएंगे कि ये अंग होते हैं, ये इन अंगों में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है आठ अंगों से परिपूर्ण होती है। आप कहते हो प्रतिमा टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई, खंडित हो गई। वह प्रतिमा खंडित तब मानी जाती है जब उसका अंग कहीं खंडित हुआ हो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंग कहते किसे हैं। अंग खंडित होंगे तो प्रतिमा खंडित मानी जाएगी, अंग के अलावा कोई उपांग खंडित हो गया तो प्रतिमा खंडित नहीं मानी जाती। समझ आ रहा है? तो अंग ही शरीर का प्रमुख पार्ट है और अंग माने पार्ट ही होता है। आठ प्रकार के पार्ट से मिलकर के जो शरीर बना, वह शरीर अगर हम देखें तो वो सामान्यतया शरीर है, लेकिन अगर उसके विशेष उसके अवयव देखें तो वह आठ उसके अवयव हैं। इसको बोलते हैं सामान्य और विशेष का कथन। सामान्य के बिना विशेष नहीं होता और विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। सामान्य और विशेष दोनों जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ होता है या कोई वस्तु होती है। कोई भी वस्तु होगी वह सामान्य रूप भी होगी और विशेष रूप भी होगी। इसी तरह से सम्यक दर्शन भी एक तत्व है, एक पदार्थ है, तो वह सम्यक दर्शन भी सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य क्या हो गया? देवशास्त्र गुरु पर, परमार्थभूत जो देवशास्त्र गुरु हैं उन पर श्रद्धा रखो, ये सामान्य सम्य रूप सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ रहा? अब आप देखोगे कि ये जो हम आठ अंग बताने वाले हैं ये सब इसी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा में गर्भित हैं, अलग से नहीं है। सम्यक दर्शन एक शरीर हो गया तो उस शरीर के ये आठ अंग हो गए, हाथ पैर पीठ पेट नितंब मस्तक इत्यादि, ये सब क्या हो गए? आठ उसके ये अंग हो रहे हैं। अलग से इन आठ अंगों का यदि हम वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम आपके इन हाथ पैरों का अलग से कथन कर रहे हैं। देखते रहना हाथ पैर पूरे हैं कि नहीं, समझ आ रहा है? तभी वो परिपूर्ण शरीर कहलाएगा, तभी वह पूर्ण अंग वाला कहलाएगा, तभी वह पूर्ण अंग वाला मूर्ति होगी तो पूजा के योग्य होगी, और वह मूर्ति को पूजने वाला भी होगा तो वो भी पूर्णांग होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए पूर्णता दोनों रूप से आती है, सामान्य और विशेष। तो जहां सामान्य है वहां विशेष होता ही है, हम उस पर ध्यान दें या ना दें, लेकिन बिना विशेष के सामान्य नहीं होता और बिना सामान्य के कोई भी वस्तु विशेष रूप में नहीं होती। समझ आ रहा? यह दर्शन शास्त्र का एक नियम है, जैन दर्शन में तत्व व्यवस्था का एक नियम है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के अपने गुणधर्म धारण करता है। और ये देखने में भी आता है, किसी भी प्रकार की वस्तु को देख लो, सामान्य और विशेष दोनों रूप उसके हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है, ये भी एक सामान्य और विशेष भाव के साथ जानने योग्य है। तो सामान्य में हमने जान लिया परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, ये हमारा एक सामान्य शरीर हो गया, माने कंप्लीट बॉडी तो हो गई, लेकिन अगर हमें उसके हर एक कंपोनेंट को अलग अलग ढंग से जानना है तो हमें इन आठ अंगों को जानना पड़ेगा। आठ अंगों का पालन कर लिया तो भी सम्यक दर्शन होगा, और केवल देवशास्त्र गुरु का सामान्य श्रद्धान कर लिया तो भी आठ अंगों का पालन हो गया, ये समझ लेना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर कहने से सब कुछ समझ में नहीं आता है, समझाना पड़ता है। देखो शरीर में क्या क्या होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, पेट होता है, पीठ होती है, नितंब होता है, ये सब बताना पड़ता है, तब इस कंप्लीट फॉर्मेशन का नाम है बॉडी शरीर। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके जब बताया जाता है तब व्यक्ति को और ज्यादा ढंग से समझ में आ जाता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल शरीर कहने से ही सबको समझ में आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पहले से जाने हुए हैं कि शरीर है तो शरीर में आठ अंग होते हैं। इस तरह से हम देखें सामान्य और विशेष के साथ जो आपस का उनमें संबंध है वह एक दूसरे में इस तरह जुड़ा हुआ है कि बिना सामान्य के विशेष नहीं होता और बिना विशेष के सामान्य नहीं होता। समझ आ रहा है? कोई भी चीज आप इसी रूप में देखेंगे दुनिया में। तो वही यहां पर हमें लगता है आचार्य समंतभद्र महाराज की यह पद्धति, चूंकि वो तत्ववेत्ता रहे हैं, वो बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य रहे हैं, न्याय के बहुत प्रकांड विद्वान थे वो, तो इस चीज को इस रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो परिभाषा ऊपर लिखी गई है श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम, ये पहले सामान्य कथन किया उन्होंने, फिर उसके ये विशेष रूप बताने लगे। तीन मूर्ताएं नहीं होनी चाहिए, आठ अंगों से सहित होना चाहिए, आठ मदों से रहित होना चाहिए, उसकी विशेष बातें आ गई। ये उस साम्यक दर्शन का ये विशेष कथन हो गया। समझ आ रहा है? क्या और समझाऊं? कपड़े की दुकान पे जाते हो, कपड़े की दुकान पे जाते हो, कोई भी दुकान पर, अब एग्जांपल तो एक ही लेना पड़ेगा एक बार में, कपड़े की दुकान पर गए, क्या खरीदने गए? कपड़ा। सबसे पहले क्या खरीदने गए? कपड़ा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? दुकान कपड़े की होनी चाहिए। समझ आ रहा है? कपड़े की दुकान पर पहुँच गए, अब कपड़े की दुकान पर तो बहुत सारा कपड़ा है, तरह तरह का कपड़ा है, तरह तरह के कलर हैं, तरह तरह की क्वालिटी हैं। अब आप वहाँ खड़े देख रहे हो, दुकानदार पूछ रहा है भाई क्या चाहिए? कपड़ा। अब कपड़ा तो चाहिए, बताओ तो क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, कौन सा चाहिए? स्त्री के लिए चाहिए, साड़ी चाहिए कि उसका अपने लिए चाहिए, धोती चाहिए कि पैंट चाहिए कि शर्ट चाहिए, क्या चाहिए कुछ तो बताओ। कपड़ा है तो सब कपड़ा ही देखा जाए तो। समझ आ रहा है? चाहे स्त्री का कपड़ा हो चाहे पुरुष का कपड़ा हो, कपड़ा तो कपड़ा ही है। लेकिन इतने कहने मात्र से बात नहीं बनती, संशय भी पैदा हो जाता है। आपको तो पता है कि आपको क्या चाहिए। समझ आ रहा है? दुकानदार आपसे पूछ रहा है इसलिए कि आप जैसे ही बताओगे कि हमें क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो वैसी चीज आपको लाके दिखा देगा। तो सामान्य से विशेष की जानकारी भी कभी कभी आवश्यक हो जाती है। केवल सामान्य कथन से थोड़ा डाउट रह सकता है, लेकिन जो जानने वाला है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसे पता है मैं कपड़ा खरीदने आया हूं। क्या खरीदने आया हूं? मैं आज अपने लिए पेंट के लिए अपना कपड़ा खरीदने के लिए आया हूं। उसे पता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? कपड़ा। तो उसकी जानकारी में है किसका कपड़ा? अपनी पेंट के लिए हमें कपड़ा। तो विशेष भी उसकी जानकारी में, सामान्य भी उसकी जानकारी में। सुन रहे हो? थोड़ा समझो इन परिभाषाओं को, ये आगे बहुत काम आएंगी। तो सामान्य और विशेष की जानकारी जानने वाले को तो है, लेकिन जिसे हम बता रहे हैं उसे भी होनी चाहिए, तभी वो ढंग से समझ पाएगा। समझ आ रहा? अगर हमने उस दुकानदार को बता पाया नहीं मुझे पेंट चाहिए, पेंट का कपड़ा चाहिए, फिर वो समझेगा किसके लिए? अपने लिए, अपने बेटे के लिए? नहीं भाई, अपने लिए ही चाहिए। तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसके लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो वो तुरंत थान निकाल के दिखाएगा 10 तरह के, भाई ये रहा लाल, ये रहा ग्रीन, ये रहा काला, ये जीन्स का है, उसका है, उसका सब दिखा देगा वो। समझ आ रहा है? अब आपको चाहिए क्या, तो अब आप उसमें से चूज कर लो। तो सामान्य की जानकारी हमारे अंदर विशेष के साथ में रहती है, लेकिन जब हमें दूसरे को बतानी होती है तो हमें सामान्य भी बताना होता है और विशेष भी बताना होता है। समझ आ रहा है? आप जो जानकारी लेना चाहते हो तो आपको सामान्य की भी जानकारी होनी चाहिए, विशेष की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, जो आपको सुनाने वाले हैं, उन्हें सामान्य से ही विशेष और विशेष से सामान्य सब समझ में आ जाता है। लेकिन जो नौसिखिया होता है या कोई नया होता है उसे दोनों चीज़ें पहले बतानी होती हैं। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के प्रकरण में पहले कौन सा श्लोक नंबर था वो? श्रद्धानम परमार्थानम, चौथे नंबर का श्लोक।
तो इस श्लोक में उन्होंने सामान्य का भी पहले कथन कर दिया कि सम्यक दर्शन ये है, और अब विशेष का कथन, तो उसकी भी एक एक जानकारी आगे आपको दी जा रही है कि विशेष क्या होता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के जो विशेष रूप आठ अंग हैं, उन आठ अंगों में एक एक अंग के लिए एक एक श्लोक आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद में उसके उदाहरण एक साथ बताए जाएंगे, इतना सारा विवरण आपके सामने आने वाला है। समझ आ रहा है? अगर आपने विशेष को अच्छे से समझ लिया तो सामान्य तो समझ में आ ही जाएगा। जिन्होंने सामान्य नहीं भी सुन पाया हो तो कोई बात नहीं, विशेष सुन लें, विशेष के पूर्ण सुनने से भी आपको सामान्य की जानकारी हो ही जाएगी। तो सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। क्या बोलते हैं? बोलना सीख लो पहले। निशंकित अंग बोलो। निशंकित अंग का मतलब होता है कि आपके अंदर सम्यक दर्शन यदि है तो आपको अब किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, विदाउट डाउट। समझ आ रहा है? योर फेथ शुड बी विदाउट डाउट। आपका जो विश्वास अगर बना है देवशास्त्र गुरु पर तो अब उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, विश्वास उसी का नाम है। समझ आ रहा है? अब जब हमने कह दिया कि श्रद्धान कर लिया तो फिर अब हमें निशंकित कहने की क्या जरूरत है? एक ही बात है, देखा जाए तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गया माने हम निशंकित हो गए, और निशंकित हो गए माने हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखते ही। लेकिन वह श्रद्धान कहना एक सामान्य लगता है, जब हम निशंकित कहते हैं तो हमें एक विशेष पर जोर आता है। निशंकित कहा जाता है तो हमारे अंदर एक विशेष भाव आता है, नहीं अब संदेह नहीं करना। किस पर संदेह नहीं करना, क्या संदेह नहीं करना, इसी से हमारा सम्यक दर्शन बचा रहेगा। ये सबसे पहला फर्स्ट लिंब भी बोलते हैं इसको, है ना, जो अंग होते हैं पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट लिंग ऑफ राइट फेथ इज निशंकित अंग। समझ आ रहा है? तो ये निशंकित अंग सबसे पहला जो अंग है ये क्या बता रहा है, इसको श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। इदमेव मीद्रशम एव, इदमेव मीद्रशमेव, तत्त्वं नान्यं न चान्यथा, तत्त्वं नान्यं न चान्यथा, इत्यकम्पाय साम्भोवत्, सन्मार्गे संशयारुचिः। पढ़े एक बार। इदमेवेद्रशमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा, इत्यकम्पाय साम्भोवत्, सन्मार्गे संशयारुचि। इदम् एव ईदृशम् एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, इदमेव ईदृशमेव, इदम् एव ईदृशम् एव। इदम् माने यह ही है, एव माने होता है ही, यह ही है। इदम् एव माने तत्व यह ही है जो बताया जा चुका है। ईदृशम् एव इस प्रकार का ही है तत्त्वम्, न अन्यत् अन्य प्रकार का नहीं है, न च अन्यथा और अन्य प्रकार से भी नहीं होता, अन्य भी नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है। तत्त्व यही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। समझ आया? तत्व यही है का मतलब तत्व जो बताया गया है वो यही है, और वह जिस प्रकार से बताया गया है वो उसी प्रकार का है। अन्य माने इससे डिफरेंट, इससे अदरवाइज कुछ भी अन्य भिन्न प्रकार का नहीं है और उससे कुछ अलग भी नहीं है, तत्व इसी का नाम है। अब क्या बताया गया तत्व? जो आपने अभी तक सुना वो सब तत्व सुना था,
इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इदम एव तत्त्वम, तत्व यही है। समझ आ रहा है? आचार्य गुरु महाराज हमेशा बताते हैं इस श्लोक का जो भाव है कि यहाँ पर तत्व का मतलब देव शास्त्र गुरु को तत्व कहा गया है। यहाँ तत्व का मतलब सात तत्वों से नहीं है, क्योंकि अभी सात तत्वों का तो हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं गया, हमें तो अभी परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु का ज्ञान दिया गया। तो गुरु महाराज का कहना है कि यहाँ पर तत्व का मतलब हमें देव शास्त्र गुरु ये तीन तत्व ही लेना चाहिए। समझ आ रहा है? यहाँ पर और हमें कोई तत्व नहीं सिखाए गए जो हम सीखे बैठे हैं, सात तत्व जो हम सीखे बैठे हैं वो तत्व नहीं है यहाँ पर। जो तत्वार सूत्र में आपने पढ़ रखे हैं जीवा जीवा श्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इन तत्वों का यहाँ पर अभी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ये ज्ञान आपको और बाद में मिलेगा। समझ आ रहा है? उससे भी पहले की बेसिक नॉलेज आपको इस बात की होनी चाहिए कि देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं। इसीलिए जो प्रारंभिक रूप में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं या प्रारंभिक रूप में तत्व का ज्ञान रखना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु को ही तत्व स्वीकार करना चाहिए। ये तीन तत्व हैं, समझ आ रहा है? सात तत्व बाद में आएंगे जब आप और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे। इसीलिए एक नई छेड़ाला लिखी गई है और उस नई छेड़ाला में सम्यक दर्शन के प्रकरण में देव शास्त्र गुरु को तीन तत्व के रूप में ही स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। समझ आ रहा है? पूछ लेना, ढूंढ लेना नई छेड़ाला कौन सी है। एक पुरानी छेड़ाला पंडित दौलत राम जी की, एक नई छेड़ाला और किसी ने लिखी है, कोई मुनि महाराज ने लिखी है शायद, है ना। तो उस नई छेड़ाला में जो छुपे हुए तत्व रह जाते हैं, अब जैसे छुपा हुआ तत्व है कि नहीं, ये तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता दुनिया में कि तीन तत्व भी होते हैं। तत्व के नाम पर जहां कहीं किताबों में आप पढ़ोगे सात तत्व होते हैं, सात तत्व होते हैं। समझ आ रहा है? ये ज्ञान छुपा हुआ है, रत्नकंड श्रावकाचार में छिपा हुआ है, आचार्य गुरुदेव महाराज ने हमको सिखाया तो वो ज्ञान हम तक तो आया, लेकिन अगर वो ज्ञान छुपा रहा तो वो हमें ही तक रहा, दूसरों तक नहीं रहा, या उन्होंने जिन शिष्यों को बताया उन शिष्यों तक नहीं रहा। जब तक उसका कथन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं किया जाएगा तब तक गुरु की वाणी भी छिपी हुई सी ही रहेगी। समझ आ रहा है? यह सोचकर हमने उस नई छेड़ाला में, अरे अब तो हमने बता ही दिया। उस नई छेड़ाला में इन तीन तत्वों को स्पष्ट रूप से लिखा है। समझ आ रहा है? कि आपके दिमाग में थोड़ी सी खुजली हो, आपके दिमाग में थोड़ी सी और नई चीज पैदा हो, भाई अभी तक तो सात तत्व ही सुने, तो ये तीन तत्व कहाँ से आ गए, ये नई नई व्याख्याएं कहाँ से आ जाती हैं, नई नई बातें मुनि महाराज कहाँ से करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा लोग है ना भड़कें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोग थोड़ा सा और आपत्ति पैदा करें तो उन्हें समझ में आएगा कि ये कोई भी जो ज्ञान दिया जा रहा है ये गलत नहीं है। समझ आ रहा है? और उसका स्पष्टीकरण कहाँ से है, यहां से है ना। आचार्य सवंत भद्र महाराज ने तत्व कहा है इसको, अभी तक उन्होंने तत्व कुछ बताया नहीं और यहां कह रहे हैं यही तत्व है, यह क्या है, कुछ बताओ तो पहले तत्व क्या है। तो उन्होंने बताया क्या, जो बताया उसी को वो तत्व कह रहे हैं। माने आप ये समझ लो जो वीतराग भगवान की आत्मा है, वीतराग भगवान का स्वरूप है, इसको बहुत बड़ा तत्व समझो, तत्व ज्ञान, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 18 दोषों से रहित परमार्थ भूत उस राग द्वेष मोह से रहित वीतराग देव पर, वीतराग भगवान पर श्रद्धा कर ली, समझ लो आपको तत्व का ज्ञान हो गया, आपने तत्व पर श्रद्धा कर ली। सबसे पहला तत्व तो यहीं से शुरू होने वाला है ना। उसके बाद में जिनवाणी में जिनवाणी का श्रद्धान करना वो तो उसके बाद होएगा, अगर उनके ऊपर सही श्रद्धान हो गया तो उन्हीं की वाणी तो जिनवाणी है, और कहां से जिनवाणी आ गई। व्यक्ति के ऊपर श्रद्धान कर लिया तो व्यक्ति की वाणी के ऊपर भी श्रद्धान हो गया, और फिर उस वाणी में जो उन्होंने बताया ऐसे चलो और जो उस पर चलने वाले गुरु हैं उनकी बात भी श्रद्धा में आ गई, तो तीनों चीजें श्रद्धा की बन गई, माने आपको सात तत्व का श्रद्धान हो ही गया।
और वैसे जो आपको सात तत्व का श्रद्धा हो रही है वो आपको केवल जिनवाणी पढ़ के हो रही है, समझ आ रहा? तो जिनवाणी तो दूसरे नंबर की बात हुई ना, पहले नंबर की बात तो आप आगम तो दूसरे नंबर पर आया, सात तत्व तो आपने आगम से जाने, तो उस वो आगम भी कहां से निकला, वो आगम जिसके मुख से निकला उनको जानो, अगर उनको जान लिया तो आपने सारा तत्व जान लिया। सबसे बड़ा तत्व क्या हो गया? परमार्थ भूत आप, जिसे हम कहते हैं परमार्थ भूत देव या शास्ता या वीतरागी भगवान, वो सबसे बड़ा तत्व है। अगर आपने वहां अपनी सही पहुंच बना ली, वहां पर आपका सही ज्ञान जुड़ गया, तो आपको आगे की सब चीजें सही सही होती चली जाएंगी, वहां आपको सब दिखाई देगा। अगर आपने सच्चे भगवान का स्वरूप समझ लिया, आपने सब समझ लिया। यही तो जीव है, इस जीव को परमात्मा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस जीव ने अपने अंदर से जो पुद्गल तत्व था उसको अलग कर लिया। उस पुद्गल के कारण से इस जीव के अंदर कर्मों का आश्रय होता था, बंद होता था, सब रोक लिया, संवर और निर्जरा कर ली, और आज ये देखो मोक्ष के रूप में बैठा है। सात तत्वों का ज्ञान तो भगवान को देखते ही से हो जाता है, इसलिए भगवान आप्त को सबसे बड़ा तत्व कहा गया है। सुन रहे हो? ये नया ज्ञान है। पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि को संभालने की कोशिश करें, समझ आ रहा है? ये भाव जब हमारे दिमाग में आएगा तब हमें सात तत्वों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप्त से बढ़कर के कोई बड़ा तत्व दुनिया में नहीं है। इसलिए कहा जा रहा इदम एव तत्वम, समझ आ रहा? आप्तवी, फिर उनका आगम और गुरु, ये तीनों को अगर आपने सही रूप में तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया तो आपके सम्यक दर्शन को कोई हिला नहीं सकता है। इदम एव, यही है, ईदृशम एव, इसी प्रकार का है, समझ आ रहा? नेचर ऑफ सबस्टेंसेस exactly as described is as, जैसा कहा गया है वो वैसा ही है, समझ आ रहा है? अदरवाइज नहीं है और उससे डिफरेंट भी नहीं है। ये जब आपकी भीतर श्रद्धा बैठ जाएगी, विश्वास बैठ जाएगा, तो आपकी आत्मा का रूपांतरण हो जाएगा, समझ आ रहा है? और आत्मा के गुण यहीं से प्रकट होना शुरू होते हैं, श्रद्धा से। वो विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं आया तब तक आपकी आत्मा में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता है। रूपांतरण माने आपकी आत्मा में कोई चेंज नहीं हो सकता है। शरीर में चेंज होते रहेंगे, आत्मा में कोई चेंज नहीं होगा। आत्मा में चेंज आत्मा के अंदर जब हम श्रद्धा पैदा करेंगे उससे होगा, और वो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, न अन्यत न चांद था। अब इसके अलावा कोई तत्व नहीं है, कोई भगवान नहीं, इसके अलावा कोई गुरु नहीं, इसके अलावा कोई शास्त्र नहीं। ये बिल्कुल डंके की चोट पर आपके अंदर बैठना चाहिए। आपको कोई लाख गाली दे, आपको कोई फांसी पर लटका दे, आपको कोई कितना ही टॉर्चर करे, तो भी आपके मुंह से अन्यथा नहीं निकलना चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, जब एक देशभक्ति करने वाला देशभक्त फांसी पर लटक सकता है देश की श्रद्धा से, तो आपको भी अब धर्म की श्रद्धा से फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमसे कोई ये कहलवाना चाहे कि नहीं भगवान ये भी होता है, कभी नहीं कह सकूंगा भगवान ये भी होता है, भगवान यही होता है जो मैं कह रहा हूं, समझ आ रहा है? एक बार अगर आपके अंदर ऐसा धर्म भक्ति का भाव आएगा, एक बार आपके अंदर ऐसी श्रद्धा आएगी, तभी वो सम्यक दर्शन भीतर से आपकी आत्मा में रूपांतरण पैदा करेगा। बातों से कुछ नहीं होगा, समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं मर जाएं लेकिन अपने अंदर की विश्वास श्रद्धा को हम ना डिगा पाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। एक बार अगर हमें किसी चीज की सही जानकारी मिली है, एक बार यदि हमने डिसीजन लिया है, तो वो हमारा हमारे लिए अब कभी गलत नहीं होना चाहिए।
न्याय तो उसी को बोलते हैं, और हर जगह न्याय ही चलता है। अदालत में भी न्याय ही होता है, और उस न्याय जब हो गया तो न्याय होने के बाद में अगर न्याय में किसी को फांसी दी गई तो फांसी दी गई, हो जाए तो हो जाए, न्याय माने तो न्याय है। अब वो चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा देश का कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर न्याय हुआ है तो फांसी हुई है तो फांसी होगी, डरने क्या बात हो गई, समझ आ रहा। तो जिस तरह से भक्ति में, देशभक्ति में लोग शहीद होते हैं, समझ आ रहा है, उसी तरीके से जब आपके अंदर सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी तभी आपके अंदर धर्म के लिए मरने की भावना होगी, सुन रहे हो। लेकिन यह भावना कोई कट्टरवाद नहीं है, यह अज्ञानता नहीं है, यह अपने लिए है। दुनिया में लोग सिखाते हैं कि धर्म के नाम पर कट्टरवाद सिखाया जाता है। कट्टरवाद का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को काट रहे हो, हम किसी को मार रहे हो, उसको बोलते हैं कट्टरवाद, जो किसी को मारे काटे। हम अपने लिए अगर मर भी जाएंगे, कट भी जाएंगे, तो भी हम अपने लिए कभी भी अपने अंदर देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा को नहीं छोड़ेंगे। इसका नाम कट्टरवाद नहीं है, इसका नाम है सम्यक आस्था, जिसे निस्संकित अंग कहते हैं। सुन रहे हो, पढ़े लिखे लोग हर चीज को कट्टरवाद के साथ जोड़ते हैं, समझ आ रहा है। कट्टरवाद होता है दूसरे पर आतंक फैलाने के लिए, कट्टरवाद होता है दूसरे को परेशान करने के लिए, कट्टरवाद आता है जहां हम दूसरे के भावों की कोई कीमत ना करें। लेकिन जहां हमारे भाव इतने बढ़ गए हैं कि हम अपने भाव की कीमत कर रहे हैं, और उसके लिए आपको जो करना हो सो कर लो, आपके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर हमारे ऊपर कुछ भी करेंगे तो हम अपना धर्म अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा निस्संकित अंग है, समझ में आ रहा है। कट्टरवाद दूसरे के ऊपर होता है कि हम तुझे ऐसा करके ही रहेंगे, हम तुझे ऐसा करा के ही रहेंगे, हम तुझे ऐसा सिखा के ही रहेंगे, हम तुझे जैन मुल्ला बना के ही रहेंगे, तो तुम्हें जैन मुल्ला नहीं बनाया जा रहा है, समझ आ रहा है। आपको खुद समझना है, आपको खुद करना है, और जब आप कर लोगे तो फिर वो आपको अपने लिए करना है, आपको दूसरे के लिए कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है। यहां से ही धर्म शुरू होगा, निस्संकित अंग, और ये इस तरीके से होना चाहिए। उदाहरण दिया जा रहा है, इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे संशयारुचि, आपको पता पड़ गया कि ये एक समीचीन मार्ग है, समझ आ रहा है। अब जब समीचीन मार्ग है, न्याय का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, तो अब उस पर बिल्कुल निस्संक होकर के चलो, कोई डरे डराए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ रहा है। अब उस पर निस्संक होकर के चलो, कैसे चलो, एक उदाहरण दिया गया कि जैसे लोहे की तलवार होती है, उस पर पानी चढ़ा दिया जाता है, तो अगर उस लोहे पर एक बार पानी चढ़ जाता है, लोहे पर पानी चढ़ने का मतलब पानी उसके ऊपर एक तरीके से पत्ता जैसा, जो आज लोग बोलते हैं ना पत्ता चढ़ा दिया, सोने का पानी चढ़ा दिया या कोई पानी चढ़ा दिया, तो वो पानी उस पर चढ़ गया तो उससे उतरता नहीं फिर वो, या यूं कह लो कि वो पानी जो है उस तलवार से कटता नहीं, समझ आ रहा है। ऐसे ही तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी की तरह आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार अगर आपकी श्रद्धा चढ़ गई वीतराग देवशास्त्र गुरु के ऊपर, तो अब वो कटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तो कल्याण होएगा, नहीं तो सब समान है, सबको अपनाओ, सबको मानो, सब में अपना माथा ठोंको, इससे कभी कोई कल्याण होने वाला नहीं है, समझ आ रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो तुम्हें धर्म के नाम पर सिखाया जाता है सब कम्युनिस्ट वाद है, ये भी एक वाद है, ये भी एक मत है, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी का मत है, ये आपको कुछ पता नहीं होता है, ये कम्युनिज्म कहलाता है, ये समझ आ रहा है जो आपको सिखाया जाता है। माने मिथ्यात्व तो आपने सीख लिया, सम्यक तो नहीं सीखा आपने, समझ आ रहा है। तो हमें इस बात को सीखना है कि अगर आत्म धर्म का हमें पालन करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें अपनी श्रद्धा को भीतर से मजबूत बनाना होगा, लेकिन उसके साथ में हमें किसी के लिए बुरा करना तो कभी हमने सीखा ही नहीं।
जो जैसे धर्म का पालन कर रहा है करे, हम किसी के साथ जबरदस्ती करते नहीं, हम केवल उपदेश देते हैं और वो उपदेश भी बुद्धिमानी के साथ में, बुद्धिमानों के लिए ही होता है। मूर्ख भड़क जाए तो भड़क जाए, बुद्धिमान कभी नहीं भड़केगा। समझ आ रहा? तो जो उपदेश दिए जा रहे हैं वो आपके लिए किस अपने आत्मा के कल्याण के लिए हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार की विसंगति पैदा नहीं होगी, समाज में देश में किसी भी प्रकार की कोई उससे विसंगति पैदा नहीं होगी। अपना धर्म पालन करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है और हम किसी के धर्म में कभी बाधा बनते नहीं हैं। आपको जो करना है कीजिए, समझ आ रहा है? लेकिन हमें सच्चे धर्म की बात करने के लिए तो स्वतंत्रता दीजिए, उसको हमें छुपाने के लिए मजबूर मत कीजिए। समझ आ रहा है? और ये मजबूरी जहां आ गई वहां धर्म का लोप हो जाएगा। इसमें क्या मजबूरी होगी भाई? कल आपको बताया था गुरु कैसा होता है, सुनाओ सबको कैसा होता है, सीखो। भगवान कैसा होता है सब बता चुके हैं। परीक्षा की अगर बुद्धि है, दिमाग में अगर तर्क जजमेंट लेने का कोई मतलब अपने पास नॉलेज है तो उसको लो। ये इतनी अकाट्य चीज है कि इसको कोई काट नहीं सकता है। अगर आप आग्रह से रहित होकर के समझेंगे तो आपको लगेगा कि सत्य भी कोई चीज होती है, और सत्य 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 कहने से नहीं आता, सत्य की भी कोई परिभाषा होती है, सत्य की भी कोई ग्रंथ होते हैं, सत्य का भी कहीं ना कहीं व्याख्यान होता है। वो सत्य ढूंढने से मिलता है, और जब आपको ढूंढ करके दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, तो आपको पुनः लग रहा है कि ये सत्य जो हमें बिना ढूंढे मिल गया ये भी सत्य है कि नहीं है। समझ आ रहा है? तो पुनः फिर वही स्थिति हो रही है कि ऊपर चढ़ने के बाद में फिर गिरने का भाव आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? निशंकित अंग का मतलब हो गया अपने अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही आत्म तत्व हूं जैसा आत्मा मुझे भीतराग देव ने तीर्थंकर ने बताया है। मैं वही आत्मा हूं। समझ आ रहा है? और जब आदमी को अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, मेरी आत्मा के अंदर जो भगवत सत्ता छिपी हुई है उस पर विश्वास होगा, और वह अपने आप में भी वही भगवान देखेगा जो अरियंत और सिद्ध सामने हैं, तो उसे दुनिया में किससे डर लगेगा? काय का डर उसको? क्या समझ आ रहा है? डर तो वहां होता है जहां सही जानकारी नहीं होती, सही ज्ञान नहीं होता, और जब सत्य का ज्ञान हो गया तो फिर उसको कोई डर नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो सम्यक दृष्टि हो गया, निशंकित अंग का पालन करेगा, वो सात भयों से मुक्त हो जाएगा। सेवन टाइप्स ऑफ फियर बताए गए हैं। समझ आ रहा है? वो सात भयों से मुक्त हो जाएगा। सत्य भय विपमुक्का जम्मा तम्मा दुनिशंका, ये समय सार की गाथा है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि वह अब सात भयों से मुक्त हो गया, इसलिए वह निशंक हो गया। समझ आ रहा है? माने जो निशंक हो गया वही भयों से मुक्त हो गया, और जो भय से रहित हो गया वही निशंक हो गया, क्योंकि डाउट और फियर दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। वेयर देयर इज डाउट देयर इज फियर, वेयर देयर इज फियर देयर इज डाउट। समझ आ रहा है? तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो वो डर सात रूपों में हो सकता है। पहला कहलाता है इस लोक का डर। इस लोक में कोई मुझे क्या कहेगा, भला बुरा कहेगा, मुझे कट्टरवादी कहेगा, मुझे अंधभक्त कहेगा, कुछ भी कहे, डोंट माइंड इट। समझ आ रहा है? इस लोक का उसे कोई भय नहीं। परलोक का भय, कहीं मुझे परलोक का परलोक तो नहीं बिगड़ जाएगा, ऐसी श्रद्धा करूंगा तो कहीं मेरा मरण बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं मैं परलोक में कुछ और तो नहीं बन जाऊंगा, अब उसके अंदर कोई डर नहीं, परलोक का कोई डर नहीं। अकस्मात मेरे ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ जाएगी, कोई मेरा घर नष्ट नहीं कर देगा, कोई मेरे बेटे पुत्री पुत्रियों को नहीं मार डालेगा, कोई डर नहीं। कोई मरने वाला नहीं, और जो मारने वाला है उसको कोई बचाने वाला नहीं, सबकी आत्मा अलग अलग है।
आकस्मिक मरण उसके लिए कभी नहीं सताता। हमारी रक्षा करने वाला कोई हमारे लिए घर नहीं, किला नहीं, कोई ऐसा दुर्ग नहीं जहां पर हम अपने आप को सेफ रख पाएं, उसे कोई डर नहीं। आत्मा को बचाने वाला कोई नहीं, आत्मा अपने आप में शाश्वत तत्व है, इसलिए उसका कभी मरण होता नहीं, और जिसका मरण होता है उसे कोई बचाने वाला होता नहीं। अगुप्ती भय उसे कभी नहीं होता। अत्राण भय में आता है कि अब मेरा कोई देखभाल करने वाला है कि नहीं, मैं निशंकित तो हो गया लेकिन कोई मुझे सहारा नहीं देता है, कोई मेरी सेवा नहीं करता है, मैं कहीं भी चला जाऊं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसे इस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास हो गया उसे दुनिया में किसी भी चीज पर अब सब चीज उसे क्षणभंगुर दिखाई दे रही है, उस सब मिटेगा, इसलिए उसे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, अपनी शरण में और भगवान की शरण में है वो, इसलिए अत्राण भय उसके अंदर नहीं आता। समझ में आ रहा है? कहीं आज कोई मेरा मरण ना कर दे, कहीं मुझे कोई फांसी ना दे दे, कहीं मुझे कोई धर्मांध के नाम पर कत्ल ना कर दे, किसी भी प्रकार का उसे अपने मरण का भी भय नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मुझे आत्म तत्व पर श्रद्धान हो गया है, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए उसे मरण का भय भी नहीं रहता। समझ आ रहा? कहीं मुझे रोग हो गए तो रोग होने के बाद में मुझे कहीं बाबाओं के पास जाना पड़ेगा तो कहीं उनके पैर छूने पड़ेंगे, उसके बिना मेरे रोग ठीक नहीं होंगे, ऐसा उसे कोई भय नहीं। कोई देवी देवताओं के पास जाए बिना मेरे वो रोग ठीक नहीं होंगे, और कहीं रोग हो गए तो कहीं उन्होंने ही नहीं कर दिए हों और किसी ने कह दिए कि उन्हीं ने कर दिए हैं, और वो जब तक उनकी पूजा नहीं करेंगे तब तक वो रोग ठीक नहीं होंगे, ऐसा उसे कोई डर नहीं। इसको बोलते वेदना भय से रहित होना। किसी भी प्रकार की कोई वेदना उसके अंदर होगी वह अरिहंत सिद्ध गुरु की शरण में है, उसके अलावा उसे कोई से कोई मतलब नहीं। कितने भय हो गए? पगले हो गया? चार पांच, इतनी देर से बोल रहा हूं, चार पांच भी हो गए, कितने हो गए? इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, मरण भय, वेदना भय, सातों बोल चुका हूं, ध्यान से सुना करो। समझ में आ रहा है? इन सात भयों से वो रहित हो गया। अब ऐसा भय से रहित जो हो गया, समझो संसार से पार हो गया, जो उसे संसार का ही डर नहीं, उसे संसार में रहने वाला रखाने वाला कौन है? समझ आ रहा है? अब वो भय किसी के अंदर से भी मिट सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं, आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके अंदर श्रद्धा ना बैठे, किन्हीं अजैनों के पास में ये उपदेश पहुंच जाए, कोई चोरों चक्कों के पास में उपदेश पहुंच जाए तो उनके अंदर श्रद्धा बैठ जाए। समझ आ रहा? चोर डाकू लुटेरे ये जितने ज्यादा सूरवीर होते हैं उतने ज्यादा धर्मवीर भी होते हैं। समझ आ रहा? और आप लोग जितनी ज्यादा डंडी मारते रहते हो और जितना ज्यादा बारगेगिंग करते करने का सब जो व्यापार करते रहते हो उतनी ज्यादा आप भीरू होते हो, डरपोक होते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है धर्म क्षत्रियों का है, बनियों का नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि आपकी वो डंडी मारने की आदत है। समझ आ रहा है? हजार में चीज लेना, 4,000 में बेचने की आदत है। समझ आ रहा है? वो जो आपके अंदर जो आदत पड़ी हुई है गंदी, 100 के 500 करने की और 500 की चीज 200 में लेने की, यही गंदी आदत के कारण से आप कभी वीरता के काम नहीं कर सकते हो। इस तरह का निशंक अंग आप में आ ही नहीं सकता है। आप सुन सकते हो, अब मजबूरी हमारी कि हमें तुम्हें सुनाना है, ये हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम चौराहे पर नहीं बैठ सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, और चौराहे पर इस तरह से लोग सुन भी नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये भी अच्छी बात है कि ये सब चीजें आजकल जो भी मोबाइल हैं, यूट्यूब है, सब पे डल रही हैं, निस्संक होकर के डालते जाओ बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनेगा कोई ना कोई, सुनी लेगा, दूर दराज सुनते हैं लोग। समझ आ रहा है? जैन भी सुनते हैं, अजैन भी सुनते हैं, हमने खूब देखा है, जो पहचान में नहीं होते वो भी सुनते हैं। अभी हरिद्वार का एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान पंडित, उसने कहीं खोज लिया कि महाराज मैं आपको सुनता हूं सुनता हूं, सुनते सुनते, समझ आ रहा है, कहाँ गया था, मेरठ में आ गया था वो विद्वान, हाँ असौड़ा हाउस में जब मैं था तो विद्वान आ गया और चर्चा की उसने, ठीक है, अच्छी बात है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से लोग सुनते हैं,
जिन्हें ज्ञान लेना होता है सब ज्ञान लेते हैं, जिनके अंदर भीरुता नहीं होगी, कायर नहीं होंगे, डरपोंक नहीं होंगे, उन्हें ही ये तत्व का ज्ञान मिलेगा। सीधी सी बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं कहता हूं जो जितना ज्यादा चोर उचक्के लुटेरे डाकू टाइप के लोग होते हैं, दिल से भी उतने ही ज्यादा पावरफुल और उतने ही ज्यादा शुद्ध भी होते हैं अगर इन्हें सही ज्ञान मिल जाए तो। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज चोर की तारीफ करने वाले, आगे एक उदाहरण दिया जाएगा आपको अंजन चोर का, तुम लोगों में कुछ है ही नहीं दमखम जो आचार्य समंतभद्र महाराज तुम्हें उदाहरण का रूप बनाते। हाँ समझ आ रहा है? वो चोर ही तो है जो रात में दौड़ता हुआ आता है, भागता हुआ आता है और आकर के जो है जो सेठ का आदमी था, जो वह आदमी वहां रात में शमशान पर एक वृक्ष के नीचे छींका बांध करके और जो है उसके नीचे तलवारें लगा करके उस पर बार बार बैठने की कोशिश करता था और उस रस्सी को काट करके विद्या सिद्ध करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे वह इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उसे बार बार डर सता जाता था, कहीं गिर गया और नीचे किसी ने नहीं बचाया तो मर जाऊंगा। तलवारें भी अपने हाथ से लगाई हैं और छींका भी अपने हाथ से कसा है, दुनिया कहेगी कालिदास तो फिर भी अच्छा था, तू तो उससे भी गया भैया मूर्ख था, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, जिस छींके पे बैठा उसी को काट रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा जब मूर्खता से भी बढ़कर के उसके अंदर निशंकित पना आ जाता है तब उसके लिए विद्या सिद्ध होती है, और वो विद्या सिद्ध उस जिनदत्त सेठ के उस बटुक को नहीं हो पाई, वो सिद्ध हुई उस अंजन चोर को। समझ आ रहा है? और उसने जब ऐसी विद्या सिद्ध कर ली और एक झटके में सारा का सारा तोड़ दिया, इस बात पर सेठ ने कहा है गलत नहीं कहेगा, इतना सेठ का फेम था उस नगर के अंदर कि ये जिनदत्त सेठ बहुत धार्मिक सत्यवादी, ये गलत नहीं कह सकेगा। समझ आ रहा है? इतना उसके अंदर विश्वास, चोर ने भी सुन रखा था उस सेठ का नाम, और उस सेठ का नाम लेते ही उसने कह दिया ठीक है, आणम ताड़म कछु ना जानम, सेठ वचन प्रमाणम, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ ने कह दिया माने हो गया, कोई मारने वाला नहीं, और उसने विद्या सिद्ध कर ली, उसने वो छींका काट दिया, नीचे गिरने से पहले ही विद्या ने उसको अपने हाथ में झेल लिया, और उसके बाद में क्या हुआ आप उस कहानी को ढंग से पढ़ना, समय नहीं कहानी सुनाने का, समझ आ रहा है ना? हाँ, वो सेठ के पास में पहुंचता है, और वो कहां पहुंचता है, जहां सुमेरु पर्वत पर सेठ जी वंदना कर रहे होते हैं वहां पहुंचता है, और फिर वो सेठ जी उस अंजन चोर को मुनि महाराज के पास ले जाते हैं, और उस अंजन चोर को मुनि महाराज ने जब उपदेश दिया तो वह अंजन चोर भी मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है, इतना निशंक हो जाता है। समझ में आ रहा है? इतना नहीं सोचना पड़ता आपकी तरह, आज कल एक साल बाद 10 साल बाद, ये सब कोई श्रद्धा के लक्षण ही नहीं है, ये तो सब टाल मटोल की बातें हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ये हो जाएगा तब ये कर लेंगे, वो हो जाएगा तब वो कर, क्या कर लोगे? कल कोरोना हो जाएगा, परसों मर जाओगे, क्या कर लोगे? समझ आ रहा? और देख रहे हो फिर भी नहीं, हमारी सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी, जितनी सेफ्टी कर रहे हैं सब बच रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेफ्टी करने वाले राजनेताओं को और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपतियों को सबको हो रहा है, उनकी सेफ्टी नहीं है क्या? नहीं, मैं सेफ्टी कर रहा हूं तो मैं बचा रहूंगा, यही तो तुम्हारा पागलपन है। तुम बचे हो अपने पुण्य से बचे हो, तुम बचे हो धर्म करने के लिए बचे हो, अगर अभी भी कुछ कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो पता पड़ेगा 4 दिन में निपट जाओगे। समझ आ रहा है? लेकिन करने की हिम्मत नहीं, इसीलिए श्रद्धा भीतर आती नहीं, इसीलिए सम्यक दर्शन होता नहीं। सुनने से नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? एक बार मान करके मरना पड़ता है उसके लिए। हाँ, जब तक ऐसा मान करके मरने की भावना नहीं आएगी तब तक जो है वह सम्यक दर्शन आपको मिलने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे शहीद होने के लिए हमेशा देशभक्त सिपाही तैयार रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु पर समर्पित होकर के अपना जीवन समर्पित करने को तैयार होता है, उसी के लिए ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो वह सम्यक दर्शन
जब उस अन्यन चोर को हो गया, समझ आ रहा है, और केवल सम्यक दर्शन नहीं हो गया, थोड़ी ही देर में उस अन्यन चोर ने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब धारण कर लिया और जाकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गया निशंक होकर के। बस मेरी आत्मा और मेरी आत्मा में ही परमात्मा, गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया, आत्मा का ध्यान कर, शरीर तेरा नहीं, मन तेरा नहीं, मन के विकल्पों को तोड़ता जा, आत्मा की शक्ति में लीन होता चला जा और आत्मा की शक्ति को इस सार्वभौमिक शक्ति के रूप में स्वीकार कर, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन स्वभाव ही ध्यान के योग्य, उसी का ध्यान कर, बस उसी में लीन हो जा। जिस दिन तू लीन हो जाएगा, तेरे अंदर से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तू परमात्मा बन जाएगा। बस उसने इतना सुना, गया सीधा कैलाश पर्वत पर जहां भगवान आदिनाथ को मोक्ष हुआ है, अन्य अनेक मुनि महाराजों को मोक्ष हुआ है, ऐसे उस हिमालय पे पहुंच गया, कैलाश पर्वत पे पहुंच गया और वहां जाकर के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बन गया। आज वह अंजन चोर नहीं है, अंजन सिद्ध भगवान बन गया है। समझ आ रहा है? अंजन से आत्मा निरंजन बन गया है, इसको बोलते हैं निरंजनम ज्ञानम अनेकमेकम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। जो निरंजन है, ज्ञान रूप है, एक आत्म स्वरूप है, ऐसे उन आप्त की शरण को मैं प्राप्त हो रहा हूं, वही मेरे भगवान है, वही मैं अपने अंदर भगवान की शक्ति रखता हूं। इस तरह का जब भाव आ जाता है तो फिर उस अंजन चोर की आत्मा में भी इस तरह की शक्ति आ जाती है और वह अंजन चोर निरंजन बन जाता है। लेकिन आपके लिए वह भी आज भी अंजन जैसा चोर ही दिखाई देता है। समझ आ रहा है? कोई नहीं कहता वो निरंजन सिद्ध भगवान अंजन चोर की जय, ऐसा कोई नहीं बोलता है। समझ आ रहा है? जबकि वो क्या बोल गया आज, अब क्या हो गया वो, हाँ, निरंजन सिद्ध भगवान अंजन चोर की जय, ऐसा बोलना सीखो। लोग कहेंगे ये कौन से चोरों की जय बोल रहा है, ये कैसे जैनी लोग होगा, तब समझ में आएगा कि कौन से चोर की जय बोल रहा है। समझ आ रहा? चोर तो क्या है, वो तो उसका एक कृत्य है, कार्य है, और पहले के लोग ये काम तो एक आर्ट के रूप में किया करते थे। समझ रहा? जैसे पुलिस के काम होते हैं, और पुलिस के अलावा जैसे सिक्योरिटी के लिए अलग से कुछ व्यक्तियों को लगाया जाता है। समझ आ रहा? सिक्योरिटी के लिए या जासूसी के लिए जैसे अलग पुलिस होती है, समझ आ रहा? उसी तरीके के पहले लोगों के शौक हुआ करते थे, चोरी करना, कोतवाली करना, उनके काम नहीं होते थे, शौक हुआ करते थे, बोले हमसे बढ़कर के पकड़ के दिखाओ हमें, हम करते चोरी। समझ आ रहा है? ऐसे लोग हुआ करते थे, तो इसलिए चोरी भी उस समय पर एक साहसिक काम कहलाता, हाँ, इसलिए लोग किया करते थे। समझ में आ रहा है? तो आपस में शर्त भी लगाया करते थे, मैं चोर बन रहा हूं तो मुझे पकड़ के दिखा देना। समझ आ रहा है? तो इस तरह के लोगों को जब सब दुनिया के खेल समझ में आ जाते हैं तो वो ये दुनिया से ऊपर उठने का खेल भी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, और ये खेल खेलने का ही धर्म है। जो खेल गया सो खेल गया, और जो रह गया सो रह गया। समझ आ रहा है? बस खेल ही है ये भी, धर्म का खेल दुनिया के खेल से बहुत बड़ा खेल है। जो इस खेल को खेल गया एक बार तो फिर वो खेलता रहेगा और पार हो जाएगा, और जो नहीं खेल पाया सोचता रह गया तो सोचता ही रह जाएगा। सुन रहे हो? तो आज हमें ये सीखना है कि निशंकित अंग सबसे पहला धर्म का अंग है, और ऐसी निशंका हमें पैदा करना है कि अंजन चोर की तरह हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना है, और इस विषय में हमें कोई भी शंका नहीं रखना कि इससे हमें मोक्ष होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है? आत्म तत्व का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, आत्मा का निर्वाण, आत्मा की दुखों से मुक्ति, इसी प्रकार के धर्म से ही होगी, अन्य कोई धर्म से नहीं हो सकती। इस तरह के श्रद्धान का नाम ही निशंक अंग है, ठीक है ना? तो आप लोग आज एक ही अंग का पालन करें, दूसरे अंग की बात बाद में बताई जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।